हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 8 वानिकी पर। आज के टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से लोगों में अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है। कई बुक में आपको छत्तीसगढ़ के जो वन क्षेत्रफल के आधार पर रैंकिंग आपको तीसरा स्थान मिलता है, कुछ बुक में आपको चौथा स्थान मिलता है। तो ये सारे डाउट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा, उस चीज़ों को समझिएगा, चीज़ों को क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे तब आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। तो ध्यान से समझिएगा जो भी चीज़ समझाऊँगा। तो देखिए अध्याय 8 वानिकी। देखिए वानिकी क्षेत्र GSDP स्थिर भाव, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी स्थिर भाव पर, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में स्थिर भाव पर आपका वानिकी क्षेत्र की भागीदारी, वानिकी क्षेत्र की भागीदारी है आपका 2.61% भागीदारी है GSDP में आपके इस वानिकी क्षेत्र की। परसेंटेज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का आपका फॉरेस्ट एरिया वन क्षेत्रफल है आपका 59772 स्क्वायर किलोमीटर, 59772 वर्ग किलोमीटर है आपके छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है? 59772 स्क्वायर किलोमीटर या 59772 वर्ग किलोमीटर, ये आपके छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल है। अब समझिएगा प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 135194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 135194 वर्ग किलोमीटर, यानी 135194 वर्ग किलोमीटर पर आपका छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। तो इस 135194 वर्ग किलोमीटर का आपका 44.22%, ठीक, सॉरी 44.2%, 44.2%, 44.2% आपका एरिया पर आपका ये वन क्षेत्र है। समझिएगा प्रदेश में वन क्षेत्रफल कितना है, छत्तीसगढ़ में आपका वन का क्षेत्रफल कितना है? 59772 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 135194 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 135194 वर्ग किलोमीटर का आपका 44.2%, 44.2% एरिया पर आपका ये वन क्षेत्रफल मौजूद है। इंपॉर्टेंट है, आंकड़े याद रखिएगा, ये आपका 44.2% आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, अब समझिएगा दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है वनावरण और दूसरा आता है वन क्षेत्र। इस वनावरण और वन क्षेत्र दोनों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग अलग अलग है, लेकिन इसको पढ़ने में और समझने में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखिए समझिएगा, वनावरण, जी वनावरण बोलिए या वनाच्छादन बोलिए, दोनों सेम है। वनावरण जिसके लिए इंग्लिश टर्म यूज होता है आपका फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर। दूसरा आता है आपका वन क्षेत्र जिसके लिए इंग्लिश टर्म यूज होता है आपका फॉरेस्ट एरिया। अब समझिएगा ये जो आपका वनावरण है, वनावरण ये फॉरेस्ट कवर है, लेकिन ये जो आपका वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र में दो चीजें आती है। एक आता है आपका वनावरण, वनावरण कौन सा? ये वाला वनावरण प्लस वृक्षावरण, वनावरण प्लस वृक्षावरण। समझिएगा फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर, ठीक। और जब हम फॉरेस्ट कवर में ट्री कवर को जोड़ देंगे, फॉरेस्ट कवर में ट्री कवर को जोड़ देंगे तो ये बन जाता है आपका फॉरेस्ट एरिया। दोनों अलग अलग है, वनावरण अलग है और वन क्षेत्र अलग है। वनावरण में यदि हम वृक्षावरण को जोड़ देते तब बनता है वो वन क्षेत्रफल। अब ये होता क्या समझिएगा, यहाँ पर पूरा खेल है आपके वृक्षावरण का। बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ इसको, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चीज़ों को समझ जाओगे तो एग्जाम में ये आंकड़े को क्लासिफाइड करके पढ़ने में और समझने में और इसकी रैंकिंग याद करने में आसानी होगा। देखिए वृक्षावरण एक है, वनावरण, जब किसी भी एक भूभाग का, जैसे देखिए हम वन किसको कहते हैं या वन क्षेत्र किसको कहते हैं, वन क्षेत्र के अंतर्गत आपके नदी नाले पर्वत पहाड़ पठार चट्टान सभी चीज़ें शामिल होती है, वृक्ष सभी चीज़ें वन के अंतर्गत आती है। लेकिन ये दो टर्म वनावरण और वृक्षावरण को क्लासिफाइड करने का मतलब क्या है? इसका एक टर्म इसमें यूज होता है ट्री कैनपी डेंसिटी।
ट्री कैनपी डेंसिटी, हिंदी में इसे कहेंगे वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण। मंडपाकार आवरण जैसे आप गणेश पंडाल दुर्गा पंडाल देखे होंगे ना, एक मंडप के शेप में रहता है, तो एक मंडपाकार आवरण। आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं देखे होंगे जंगलों में आपके बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, उनकी शाखाएं इतनी फैली होती है, वृक्ष नहीं वृक्षों का पूरा समूह रहता है, वृक्षों का एक जगह बहुत सारा समूह रहता है, यानी सघन वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनकी शाखाएं काफी फैल जाती है, तो वो एक मंडप आकार ले लेते हैं, तो ये कहलाता है ट्री कैनपी डेंसिटी यानी वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण। यदि यह वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण या आपका ट्री कैनपी डेंसिटी, ट्री कैनपी डेंसिटी, देखिए मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, वनावरण की बात कर रहा हूं, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण या ट्री कैनपी डेंसिटी यदि 10% है, यदि 10% है या वो वृक्षों का जो सघन आवरण है, वृक्षों का वो सघन आवरण कम से कम एक हेक्टेयर भूमि पर, कम से कम एक हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, 10% देखिए 10% क्या है उस वन क्षेत्रफल का, मतलब जो मतलब समझ लीजिए एक भूभाग का आपका सर्वे किया जा रहा है वन के लिए, तो उस जो सर्वे किया जा रहा है जिस भूमि का, उसके लगभग 10% एरिया पर आपका वो सघन मंडपाकार वृक्षों का आवरण होगा, या फिर कम से कम एक हेक्टेयर भूमि पर, कम से कम एक हेक्टेयर भूमि पर ऐसे वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण होगा, तो वो काउंट होगा आपका इस वनावरण के अंतर्गत। लेकिन यदि वही वृक्षों का सघन मंडपाकार जो आपका आवरण है वो 10% से कम है, इस 10% से आपका कम है, या एक हेक्टेयर से कम भूमि पर वो वृक्ष फैले हुए हैं, तो वो काउंट होता है आपके वृक्षावरण के अंतर्गत। समझ रहे हैं? देखिए आप देखे होंगे कहीं आपका वृक्षों का एक बहुत बड़ा घना जंगल होता है, तो अगर वहाँ सर्वे कर रहे हैं तो उस कुल भूभाग का लगभग 10% एरिया पर यदि वो पूरे के पूरे सघन वन फैले हुए हैं, तो वो सघन वन 10% कुल भूभाग के 10% एरिया में है, तो मतलब वो कहलाएगा आपका वनावरण के अंतर्गत। या उस कुल भूभाग के लगभग एक हेक्टेयर भूमि पर, एक हेक्टेयर कम से कम एक हेक्टेयर भूमि पर उन वृक्षों का सघन जाल या मंडपाकार जाल अगर बिछा हुआ है तो वो काउंट होगा आपके वनावरण के अंतर्गत। लेकिन यदि वही जैसे कुछ वृक्ष एक हिस्से पे है, कुछ वृक्ष दूसरे हिस्से पे, यानी कहीं पर भी वो जो वृक्षों का मंडपाकार आवरण है वो एक हेक्टेयर की भूमि पर भी नहीं फैले हुए हैं, या कुल भूभाग के 10% से कम है, या 5% पे, या 6% पे, या 8% पे, तो वो आपके वनावरण के अंदर काउंट ना होकर के वो काउंट होते हैं आपके वृक्षावरण के अंतर्गत। तो बस ये इसी का खेल है, ठीक, इसको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे अब तो ये आसानी समझ में आएगा। तो देखिए वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर और वन क्षेत्र, जिसमें वनावरण प्लस वृक्षावरण जो कि आपका टोटल कहलाता है फॉरेस्ट एरिया। अब समझिएगा, वनावरण या फॉरेस्ट कवर के आधार पर पहले स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़। किसमें? फॉरेस्ट कवर में, जो टर्म बोल रहा हूं उसको समझिएगा। देखिए एग्जाम में यदि प्रश्न आता है तो उसमें आपको ढूंढना क्या है, देखिए हिंदी में अगर कंफ्यूजन होगा, हिंदी में यदि कंफ्यूजन होगा, आप तो वैसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, वनावरण और वन क्षेत्र ये दो ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यदि कंफ्यूजन होता है पढ़ने में फिर भी, तो आपको मालूम होगा एग्जाम में दो सेक्शन में आपके क्वेश्चन आते हैं, एक सेक्शन में आपके हिंदी में टाइप रहता है और उसके साइड वाले सेक्शन में ही आपके इंग्लिश में टाइप रहता है। तो इंग्लिश साइड में आपको ढूंढना है आपको कवर पूछ रहा है कि एरिया पूछ रहा है, फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है कि फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है, उसके आधार पर रैंकिंग बताइएगा, ठीक। तो देखिए फॉरेस्ट कवर के आधार पर पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश जो कि लगभग 77,000, देखिए मैं इसका आंकड़ा जो है दूसरे स्टेट का वो लगभग अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर के साथ आपका पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर के साथ आपके दूसरे स्थान पर है, और जबकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर, एग्जैक्ट डाटा की बात करूं तो 55,547 वर्ग किलोमीटर के साथ आपके तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा फॉरेस्ट कवर या वनावरण या वनाच्छादन के आधार पर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका वन क्षेत्र या फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया क्या पूछ रहा है, फॉरेस्ट एरिया इंपॉर्टेंट है ये टर्म याद रखिएगा, पहले नंबर पर है आपके फॉरेस्ट एरिया के आधार पर, पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, और यहां हमारा छत्तीसगढ़ है चौथे नंबर पर, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। देखिए फॉरेस्ट कवर के आधार पर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, फॉरेस्ट एरिया के आधार पर छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ देखिए
यहाँ पे छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल कितना है, लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे कितना है, 59,772 वर्ग किलोमीटर, ये वाला आंकड़ा वन क्षेत्रफल यानी यहाँ पे आपका फॉरेस्ट एरिया का बताया गया है। ठीक, तो देखिए लगभग यहाँ पर अप्रोक्स 3,000 के आसपास का डिफरेंस है। ठीक, तो ये जो 3,000 के आसपास का जो डिफरेंस है ना, ये 3,000 आपका है ट्री कवर यानी आपका वृक्षावरण। ठीक, ये है आपका ट्री कवर, तो ये होता है आपका फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। इससे क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे तो आपको चीजों को पढ़ने में काफी आसानी होगा। तो याद रखिएगा, फॉरेस्ट कवर के आधार पर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर, फॉरेस्ट एरिया के आधार पर छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। देखिए यहाँ जो आपका महाराष्ट्र यहाँ पे तीसरे स्थान पर है, वहीं फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ के बाद चौथे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 50,000 वर्ग किलोमीटर के साथ फॉरेस्ट कवर के रैंकिंग में आपके महाराष्ट्र आपके चौथे स्थान पर है। लेकिन महाराष्ट्र में जो आपका ये वृक्षावरण है ना, ये वृक्षावरण काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास वहाँ वृक्षावरण है, जिसके कारण वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को बीट करके यहाँ पे इससे ज़्यादा लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास के आंकड़े के साथ छत्तीसगढ़ से ज़्यादा यहाँ पे वन क्षेत्रफल है। बेसिक है, बस इतना इसको छोड़ दीजिए, इसको ध्यान मत दीजिए, याद रखिएगा फॉरेस्ट कवर के आधार पर तीसरा और फॉरेस्ट एरिया के आधार पर छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वन घनत्व यानी फॉरेस्ट डेंसिटी। फॉरेस्ट डेंसिटी जिसमें हम केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को काउंट कर रहे हैं, तो आपके फॉरेस्ट डेंसिटी या आपके वन घनत्व के आधार पर पहले नंबर पर है आपका लक्षद्वीप 90.33% 90.33% के साथ। सेकंड नंबर पर है आपका मिजोरम 86.27% यानी 86.27% और तीसरे स्थान पर है आपका अंडमान निकोबार 81.73% यानी 81.73% के साथ। समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए वन घनत्व क्या होता है, उस आपके केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत एरिया में आपका वन क्षेत्र है। अब देखिए इस रैंकिंग को भी आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, जैसे लक्षद्वीप की यदि हम बात करें तो काफी छोटा सा द्वीप है, छोटा सा एरिया, मान लीजिए इतना बड़ा आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप एक इतना छोटा सा एरिया है लक्षद्वीप, तो इसके लगभग 90% कुल भूभाग के लगभग 90% एरिया पे आपका वन है। इस कारण यहाँ पे आपका क्या है, वन घनत्व के आधार पर, फॉरेस्ट डेंसिटी के आधार पर लगभग 90% के साथ लक्षद्वीप पहले स्थान पर है, 86% के साथ आपका मिजोरम दूसरे स्थान पर है और लगभग 81% के साथ आपका अंडमान निकोबार आपका तीसरे स्थान पर है। आंकड़े अप्रोक्स में याद रखिएगा, अप्रोक्स में याद रखेंगे तो आपको आसानी होगा, क्योंकि आपको आगे और भी काफ़ी सारे आंकड़े याद रखने हैं। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति। छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति देखिए, यहाँ पे वनों का वर्गीकरण किया गया है, यहाँ पे तीन टाइप से प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, तीनों की तीनों अलग है, समझिएगा होता क्या है। आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आरक्षित वन ऐसे वन क्षेत्र जो कि मानवों के हस्तक्षेप के लिए कानून द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित रहते हैं, कानून द्वारा मानवों के हस्तक्षेप के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित वन क्षेत्र आपके आरक्षित वन क्षेत्र या आपके रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी उस वन क्षेत्र में आपके कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं होगा, उस वन क्षेत्र का कोई भी मानव दोहन नहीं कर सकता। ठीक, सेकेंड आता है आपका संरक्षित वन, संरक्षित वन या फिर आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। संरक्षित वन ऐसा वन क्षेत्र जो कि आम जनता के लिए, ठीक, आम जनता के लिए प्रतिबंधित तो रहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को या कुछ लोगों को लाइसेंस द्वारा या परमिट पद्धति के माध्यम से उन्हें कुछ मात्रा में उस वन क्षेत्र के दोहन करने का अधिकार होता है। एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ जाएंगे। आरक्षित वन यानी आपका रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके जीव जंतुओं के लिए आपका आरक्षित रहता है, वहां पे किसी प्रकार का मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता। दूसरा आता है संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो कि लाइसेंस पद्धति के माध्यम से या आपका परमिट पद्धति के माध्यम से उसमें कुछ मात्रा तक उसमें हस्तक्षेप या वनों के दोहन का अधिकार होता है। एग्जाम्पल जैसे जबर्रा ग्राम, धमतरी के जबर्रा ग्राम में एक पूरे के पूरे ग्राम समूह को वन अधिकार पत्र दिया गया है, ताकि उस वन क्षेत्र का वो दोहन कर सके। ठीक, वैसे ही
कुछ इमारती लकड़ियों को काटने के लिए आपके कुछ उद्योगपतियों को वहां का परमिट या लाइसेंस दिया जाता है, चंदन की लकड़ियों को काटने के लिए परमिट या लाइसेंस दिया जाता है, तो ये होते हैं आपके संरक्षित वन। तीसरा आता है आपका अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन या खुला वन, ऐसे वन क्षेत्र जो कि सरकार के रिकॉर्ड में वनों के अंतर्गत शामिल तो है लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसका दोहन कर सकता है। जैसे कोई गांव में रहने वाले व्यक्ति अपने जरूरत की जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी या अपने वन उत्पाद का आपका जैसे आपको मालूम होगा जैसे मोहा बिनने का कार्य, तेंदुपत्ता बिनने का कार्य, ये सब कर सकते हैं। ये होता है आपके अवर्गीकृत वन के अंतर्गत, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वन तो है लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। ठीक, बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर देखिए ये क्वेश्चन, ये चीज़ आपको प्री में काम नहीं आएगा लेकिन प्रश्न बन सकता है कि आपके बायोस्फीयर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या इनमें से कोई नहीं, तो उसमें आपको आरक्षित वन लगाना है। या फिर इंटरव्यू में यदि प्रश्न पूछा गया कि आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन क्या होता है, तो एक साधारण शब्दों में बताने के लिए हो सकता है। ठीक, बाकी इसको अगर आप थोड़ा टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो इसका लैंग्वेज काफ़ी कठिन है। देखिए, तो ये जो आपका आरक्षित वन है, आरक्षित वन आपका हमारे प्रदेश में 25,782.17 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर में आपका ये जो आरक्षित वन है। देखिए, ये जो आपका आरक्षित वन है, ये हमारे प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का 43.13% क्षेत्रफल आपका आरक्षित वन है। समझिएगा, ये जो प्रतिशत है या जो परसेंटेज है, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का नहीं, क्या बोल रहा हूं समझिएगा इसको, छत्तीसगढ़ के जो कुल वन क्षेत्रफल का, क्यों कौन सा ये 59,772, छत्तीसगढ़ के इस कुल वन क्षेत्रफल का 59,772 का लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर आपके आरक्षित वन के अंतर्गत आता है और इसी 59,772 वर्ग किलोमीटर का लगभग 43% इस वन क्षेत्रफल का 43% आपका आरक्षित वन है। ठीक, सेकेंड है संरक्षित वन, 24,036.10 वर्ग किलोमीटर या फिर लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर आपका संरक्षित वन है जो कि कुल वन क्षेत्रफल का 40.22% है। तीसरे नंबर पर है अवर्गीकृत वन जो कि 9,954.13 वर्ग किलोमीटर एरिया पर है, ये आपके कुल वन क्षेत्रफल का आपका 16.65% एरिया कवर करता है। ठीक, यदि हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल होता है 59,772.40 वर्ग किलोमीटर और इसको ऐड करेंगे तो टोटल 100% एरिया कवर होता है। ठीक, तो ये वनों से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, मेंस के आंसर राइटिंग में यदि फॉरेस्ट या आपके वन से संबंधित कोई ऐसे राइटिंग आता है या फिर इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो ये सारे प्रश्न, देखिए आंकड़े अगर एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन कम से कम अप्रॉक्स में याद रखिएगा, लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन है, लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर में आपका संरक्षित वन है, लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर में आपका ये अवर्गीकृत वन है, तो ऐसे टाइप का भी अगर लिखेंगे तो आपको आपके आंसर को काफ़ी अच्छा हाईलाइट मिलेगा। ठीक, अब समझिएगा, प्रमुख वनोपज उत्पाद, वन उपज उत्पाद, ये वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के आंकड़े हैं। देखिए 18-19 के भी आंकड़े आए हैं लेकिन वो सितंबर तक की स्थिति में है। अगर आपसे 18-19 पूछे, 17-18 पूछे, दोनों में आपके जो सीक्वेंस बताऊंगा सेम सीक्वेंस है। देखिए इसमें तेंदुपत्ता शामिल नहीं है, तेंदुपत्ता भी एक वन उपज है लेकिन तेंदुपत्ता शामिल नहीं है। तेंदुपत्ता का जो उत्पादन होता है उसकी काउंटिंग मानक बोरे के आधार पर की जाती है लेकिन ये जो आपका बाकी जो वन उपज है उसका जो काउंटिंग है या जो संग्रहण है उसे किलोग्राम पर या क्विंटल के आधार पर किया जाता है। ठीक, तो देखिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में या 18-19 में सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन हुआ है वो है आपका साल बीज, उसके बाद है महुआ बीज, उसके बाद है चिरौंजी गुठली और सबसे लास्ट में है हर्रा। ये प्रमुख वन उपज है, मतलब प्रमुख नहीं बोल सकते, जिसका सर्वाधिक मात्रा में जिसका मार्केट में डिमांड होता है। ये सिक्वेंस याद रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में है आपका साल बीज, उसके बाद महुआ बीज, उसके बाद चिरौंजी गुठली, फिर लास्ट में है आपका हर्रा। ठीक, अब देखिए ये है आपका तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता जिसे राष्ट्रीय वन उपज भी कहा जाता है, ये जो है ये लघु वन उपज है, ये सब लघु वन उपज है। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय वन उपज है, तो ये जो तेंदुपत्ता है ये आपका राष्ट्रीय वन उपज है और ये बाकी सब है ये सब आपके लघु वन उपज है। ठीक, पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए तेंदुपत्ता संग्रहण, तेंदुपत्ता संग्रहण जो कि हमारे प्रदेश में इसका पारिश्रमिक संग्रहण दर है, हमारे प्रदेश में इस तेंदुपत्ता का पारिश्रमिक संग्रहण दर है आपका 4,000 रुपये मानक बोरा,
₹1000 मानक बोरा। अब ये मानक बोरा क्या होता है, देखिए जो तेंदू पत्ता है, तेंदू के पत्ते को तोड़ करके एक के ऊपर एक रख करके उसका बंडल बनाया जाता है। लगभग 50 तेंदू पत्ता का एक बंडल होता है और ऐसे ऐसे लगभग 1000 बंडल एक बोरे में रखे जाते हैं, मानक बोरे में रखे जाते हैं। एक बंडल में तेंदू पत्ता, देखिए मानक बोरा पूछ रहा है, तेंदू पत्ते को इकट्ठा करके आपके 50 तेंदू पत्ता का एक बंडल बनाया जाता है और ऐसे ऐसे लगभग 1000 बंडल एक मानक बोरे में रखे जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी में और व्यापम में भी ये प्रश्न लगभग 3 बार ये प्रश्न आया है कंटिन्यू पिछले 3 सालों में। एक मानक बोरे तेंदू पत्ता में, तेंदू पत्ता के एक मानक बोरे में कितने तेंदू पत्ते होते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। तेंदू पत्ते के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदू पत्ते होते हैं। तेंदू पत्ते के एक मानक बोरे में कितने तेंदू पत्ते रखे जाते हैं, तो तेंदू पत्ते के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदू पत्ते रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। ठीक, संग्रहण लक्ष्य, इस साल जो आपके तेंदू पत्ते का जो संग्रहण लक्ष्य जो रखा गया है वो है आपका 16.75 लाख मानक बोरा, यानी 16.75 लाख। ठीक, 16.75 लाख मानक बोरा तेंदू पत्ते के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से सर्वाधिक विभागीय संग्रहण के अंतर्गत सर्वाधिक संग्रहण है जो होना है वो है आपके बलरामपुर से लगभग 1,45,000 मानक बोरा, 1,45,000 मानक बोरा तेंदू पत्ते के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। सेकेंड नंबर पर है जो कि सुकमा, जिसमें लगभग 75,900 मानक बोरे के संग्रह, मानक बोरा तेंदू पत्ते के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। और तीसरे स्थान पर है आपका सूरजपुर, जिसमें 43,600 मानक बोरा तेंदू पत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया, यानी सर्वाधिक तेंदू पत्ता का संग्रहण किस एरिया से हो रहा है या किस जिले से हो रहा है या किस विभाग से हो रहा है, तो वो है आपका बलरामपुर, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य, जैसे कि मैंने बताया तेंदुपत्ता जो कि आपका राष्ट्रीय वनोपज है उसका संग्रहण सबसे मैक्सिमम आपका ₹4,000 प्रति मानक बोरा की दर से हो रहा है। ठीक, यहाँ पे प्रति ₹4,000 प्रति मानक बोरा की दर से होता है। ठीक, अब बचे इस साल से, जो देखिए इससे पहले जो हमारे प्रदेश में 7 वन उपज का आपके समर्थन मूल्य या संग्रहण मूल्य पर आपका उनका खरीदी होती थी। 7 कौन कौन से थे, एक था आपका तेंदुपत्ता, साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, हर्रा, इमली और लाक। ये 7 ऐसे आपके वन उपज थे जिनका संग्रहण मूल्य समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार आपके उनकी खरीदी करती थी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार ने नए आंकड़े जारी किए हैं, उसके आधार पर इस साल से आपके 15 वन उपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। देखिए ये जितने आंकड़े बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट के ऑफिशियली पब्लिश्ड इकोनॉमिक सर्वे के बुक में ये आंकड़े नहीं मिलेंगे, ये आंकड़े न्यूज़ से उठाए गए हैं, जो आपके डेली करंट अफेयर से आते हैं उससे उठाए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में ये कहीं पर भी आपको ये आंकड़े नहीं मिलेंगे। ठीक, तो जो बता रहा हूँ उसे समझते चलिएगा, इकोनॉमिक सर्वे बुक में ढूंढने बैठेंगे तो नहीं मिलने वाला ये। तो देखिए कुल आपका 15 लघु वन उपजों का समर्थन मूल्य पर इस साल से आपका सरकार खरीदी करने वाली है। तो देखिए इसमें जो आपके 15 जो वन उपज है उसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, सभी के अलग अलग रेट है, लेकिन याद रखिएगा इन 15 लघु वन उपजों में से सर्वाधिक जो आपका समर्थन मूल्य है, सर्वाधिक समर्थन मूल्य, देखिए ये जो 15 जो वन उपज है इस 15 वन उपज में तेंदुपत्ता शामिल नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। तेंदुपत्ता इस 15 जो वन उपज है, 15 वन उपजों में ये तेंदुपत्ता शामिल नहीं है। ये जो 15 है ये लघु वन उपज है, ये तेंदुपत्ता राष्ट्रीय वन उपज है। तो देखिए इन 15 लघु वन उपजों में सर्वाधिक जो समर्थन मूल्य पर जो आपका खरीदी की जाएगी वो है आपका कुसुम लाख। लाख दो प्रकार के होते हैं, कुसुम लाख और रंगीनी लाख। तो जो कुसुम लाख है वो लगभग ₹225 प्रति किलो की दर से, क्विंटल नहीं प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। और सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा आपका पुआड़ बीज, लगभग ₹14 प्रति किलो की दर से, आपका स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बाकी जिन्होंने पीडीएफ लिया है उस पीडीएफ में भी ये आपके अपडेटेड डाटा दिया गया है। स्क्रीन पे आपको सभी के सभी 15 लघु वन उपजों की रेट क्या क्या है वो आपको शो हो जाएगा। ठीक, देखिए
इसके अलावा जो बोनस जो 15 लघु वन उपज है उन 15 लघु वन उपजों में से 3 लघु वन उपज कुसुम लाख, रंगीनी लाख और कुलुगुन, कुसुम लाख, रंगीनी लाख और कुलुगुन, इन 3 लघु वन उपजों पर उसके समर्थन मूल्य के साथ साथ बोनस दिए जाने की भी घोषणा सरकार ने की है। बोनस कितना होगा वो जैसे भी अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारे के सारे आंकड़े इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो देखिए जो भी आंकड़े बताए हैं सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ते चलिए, सभी को समझते चलिए। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण, मैं जितने भी आंकड़े हैं आपको कुछ भी छुड़वाऊंगा नहीं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण का जो पीडीएफ है उसे लेना जरूरी है कि नहीं है। देखिए लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड है, मेरा काम था पीडीएफ बनाना। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है नहीं है ये आपके ऊपर है, आप पढ़ेंगे आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो सारे आंकड़े हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो ऑफिशियली पब्लिश्ड जो आपके इकोनॉमिक सर्वे का जो बुक है उसमें ये सारे आंकड़े नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने पीडीएफ बनाया तो मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा। सिलेबस मैं कोई भी चालू करता हूं उसको कंप्लीट जरूर कराता हूं, ठीक। बस ये अंतर है कि पीडीएफ में देखिए मेरे पास आप देख रहे होंगे काफ़ी लिमिटेड एरिया रहता है, इस लिमिटेड एरिया में मैं आपको लिमिटेड चीज़ें ही लिख के बता सकता हूँ, बताता हूँ। देखिए लिखी हुई चीज़ें अलग है, जो मुंह से बताता हूँ वो चीज़ें अलग है। तो बस पीडीएफ में बस थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ मैंने दिया हुआ है, और इसलिए दिया है क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सारे अपडेट करके जो गवर्नमेंट के बुक में भी नहीं है वो आंकड़े भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा उसके लिए निश्चिंत रहिए। पीडीएफ जो जॉब में है उनके लिए तैयार किया गया है, या जो पहले से अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे फ्रिक्वेंटली हम लोग का जो वीडियो फ्रिक्वेंटली आता है कंटिन्यूटी में नहीं आता, उसके कुछ अपने रीज़न है, इसलिए वो पीडीएफ तैयार कर दिया गया है, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।